जीते जी पे क्या पड़ेगी, मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनगी, मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनगी। हो सुन के भारी चोट लगी मेरे जीते जी में क्या बनगी, तू तो मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनगी, मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनगी। अरे मां वाला तने मेरे साथरी, मां वाला तने मेरे साथ, बता कौन सा फर्ज निभाया, छाती से लिया बेटे को तने कितना दूध पिलाया, अरे भैया कितना दूध पिलाया, हो मुँह चुम्या न प्यार करया, बस एक यो लाड लड़ाया, मुझे दे के जन्म मारने खातर क्यों गंगा बीच महाया, हो गंगा बीच महाया। लिया एक सूत्र ने काट मेरे पे, लिया एक सूत्र ने काट मेरे पे, हर की नरम निभा पड़ेगी, तू तो मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनगी, मतलब कारण बेटे खानी आज करण की मां बनगी। बताया तुम्हारे इस राज को छुपाने के कारण मैंने अपने जीवन को इस दुनिया में कैसे जिया है तुम जानती नहीं महारानी, किस तरह से दूसरी गली के माध्यम से क्या कहते बोला, देश बढ़ा करके देश ढोलक का देश। हो अपने से जाता जग मेरी, अपने से जाता जग में जीवन बेकार नहीं देखा, मैं किस तरिया माँ कहूँ तुझे, मने माँ का प्यार नहीं देखा, ओ माँ का प्यार नहीं देखा, मैं जहाँ गया अपमान हुआ, आदर सत्कार नहीं देखा, मेरी नीचे को रही नजर निहा, ठाके संसार नहीं देखा, ठाके संसार नहीं देखा, हो जिस इज्जत का मोल तोलना, आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे, और सूत्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे, जब मुझे यह कहकर के गुरु द्रोण ने धमका करके बैठा दिया कि शूद्र और क्षत्रियों का कभी आमना सामना मुकाबला नहीं हुआ करता, या तो राजा हो या फिर जाति से क्षत्री हो, तो दुर्योधन ने अंग देश का राज्य सौंप करके मुझे राजा बनाकर अपने बराबर में बैठा लिया। आज दुर्योधन के कर्ज का ऋण तारने का वक्त आया है, तो तुम ये हवाला लेकर मेरे पास में आई हो कि पांचों पांडव मेरे माजाए मेरे छोटे भाई हैं, मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूं नहीं। महारानी तेरे
से तेरे बेटों से मेरी क्या जग में असनाई। दुर्योधन है कुटुंब करण का तू बाप समझ चाहे भाई, मेरे लिए जो भी कुछ है वो मेरा मित्र दुर्योधन है। पांडव से और तुझसे मेरा कोई मेल झोल नहीं है। तीसरी कली के माध्यम से क्या कहते हैं कि नहीं महारानी झूठ कह रही हो आप। कहने लगी कि अगर इस युद्ध के अंदर मात्र 3 दिन का युद्ध बचा हुआ है करण, अगर तू दुर्योधन का साथ छोड़ करके अपने इन पांचों भाइयों में मिल गया और इस युद्ध के अंदर पांचों पांडवों की जीत हुई तो इस हस्तनापुर के ऊपर तेरा राज होगा, राज का ताज तेरे सर से बंधेगा, दुर्योधन के सर से राज खुल करके करण तुझको मिलेगा। तो कर्ण बली कहने लगते हैं महारानी क्या बात कह रही हो, राज के लालच में फंस के धोखा करे आज करण, दुर्योधन को मार करी फेर करे राज करण, अच्छी तरह जानता है जाज और ना जाज करण, ये आने वाली पीढ़ी कहेंगी कि दुष्ट धोखेबाज करण। और पहले तो मेरे लगी हुई मकौर लगावे शाही, तेरे से तेरे बेटों से मेरी क्या जग में सुनाई। लाख कोशिश की लेकिन कर्ण के ऊपर उन बातों का कोई असर नहीं हुआ। तो कृष्ण जी की बताई हुई बात याद आ गई कि कर्ण के पास में गुरु परशुराम के 5 बाण हैं, उन 5 बाणों को दान में मांग कर ले आना। तो महारानी कुंती ने पल्ला फैला करके कहा कि बेटे कर्ण, तू 5 पांडवों में नहीं मिलना चाहता तो मेरी बात सुन, तेरे पास में तेरे गुरु परशुराम के 5 बाण हैं, उन 5 बाणों को मुझे दान में दे दे। तो कर्ण ने देर नहीं की, वो 5 बाण महारानी कुंती को दान में दे दिए। बाण दान में तो दे दिए लेकिन कहने लगे कि तू कैसी मां है, एक तरफ तो मुझे अपना बेटा बता रही थी, 5 पांडवों का भाई बता रही थी, और एक बहुत बड़ा अनर्थ आप मेरे साथ में कर चली हो। किस तरह से कर्णवली क्या कहते बोला, इतने दिन के बाद मेरे पे दान मांगने आई है, जिन बाणों का गर्व मुझे वो बाण मांगने आई है, वो बाण मांगने आई है। जब 6 बेटे हैं तेरे 5 के, 6 बेटे हैं तेरे 5 के, क्यों प्राण मांगने आई है बाणों का, अरे बाणों का तो नामकरण की तू जान मांगने आई है, बाणों का तो नाम मेरी।